हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा स्पार्कर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक है, मेरा बबू ठीक है। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं दिल्ली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाला हूँ। और कहाँ जाने वाला हूँ? बहुत ही फेमस जगह है, आप लोग काफी जानते होंगे, सब लोगों को पता ही है इसके बारे में। तो पूजा ऑब्वियसली नहीं जा पाएगी क्योंकि वो अपने घर पर रहेगी, बाबू का ख्याल रखेगी। तो मैं ही जा रहा हूँ अकेले, और मैं वीडियो शूट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये सरप्राइज रहेगा, अभी आपको खुद पता चली जाएगा, देखते रहिए वीडियो। क्योंकि कोशिश करेंगे बाबू थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जिससे कोई दिक्कत ना करे। जैसे मैं भी अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ, बाहर जाने की कोशिश करूँ। तो प्लीज जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो। I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need loving. Me, myself, ain't enough. It's like being a dog to a crushing heart. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आज मैं आया हूँ लाल किला, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैं एक फंक्शन हो रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और अगर आप दिल्ली में ही रह रहे हैं और आपको नहीं पता था इसके बारे में, तो हमारा वीडियो देखकर आप जान ही गए। या फिर ऑलरेडी अगर आपको इसके बारे में पता था और आप नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। सुनने में आ रहा कि काफ़ी इंडिया से जगह जगह से शॉप्स आई हुई हैं, काफ़ी कुछ झूले भी लगे हुए हैं। अभी आइए अंदर देखते हैं, अभी मुझे देखता हूँ फिर वीडियो बना दिखाता हूँ आपको। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री के लिए लगा हुआ है, मेल एंट्री और फीमेल एंट्री के लिए एंट्री फी है, फ्री है। अगर आप संडे को आते हैं तब सुनने में आ रहा है कि एंट्री के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाया हुआ है, लॉस्ट एंड फाउंड अगर कुछ खो जाता है तो यहाँ पर आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने है आज़ादी का अमृत महोत्सव। उधर पीछे की तरफ एक स्टेज लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बट अभी कोई प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। मे बी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, कुछ देर में देखते हैं। जो पीछे बड़ा सा झूला जो दिखाई दे रहा है वो खाली शोपीस के लिए, उसमें झूलने को नहीं मिलेगा किसी को। सिक्योरिटी काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पे कुछ खाने पीने वाले स्टॉल दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लेने के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, और जैसे कि मैं अभी चाय लेने वाला था तो मुझे टोकन लिया मैंने। ये 25 रुपये का टोकन है, देखिए आप के जो मुझे, हाँ ये 25 रुपये का टोकन है। टोकन बड़ा ही कूल है। और ये चाय लेकर आते हैं यहाँ सामने से। देख रहे हैं वो कल्चरल परेड है, आइए उधर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे
अभी हमने देखा जो वो कल्चरल परेड थी, अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे की स्टॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा झूला लगा हुआ है और यहाँ पर एक नटराज की मूर्ति भी लगी हुई है, बहुत ही शानदार बनाया गया है। आइए चलते हैं अगली स्टॉल्स की तरफ, अगले कंपाउंड में देखते हैं उसमें क्या है। एक मंच यहाँ पर भी लगा हुआ है, खेल मंच करके। खाओ कली। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से खाने पीने की स्टॉल्स लगी हुई हैं, उनको तो देखकर बस आपका यही मन करेगा यहाँ आने के बाद कि बस खाते रहो कुछ ना कुछ रह के। यहाँ पर देखने यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से कुछ बनाया हुआ है, एक झांकी बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ स्टॉल्स खाली भी पड़ी हुई हैं। तो ये जो रोलर आप देख रहे हैं, इसको 15 मिनट चलाने के लिए 200 रुपीज चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी बच्ची चला भी रही है, बट कमाल की बात यह है कि आप इसको बाहर नहीं चला सकते हैं, आपको बस इसको अंदर ही चलाना होगा। ये इसके लिए छोटा सा एक कंपाउंड बनाया हुआ है जिसमें जो बच्ची चला रही है। स्टैचू बनाया हुआ है और जैसे देखकर लग रहा है यहाँ पे बराबर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का बनाया हुआ है, स्टॉल से अलग। यहाँ पे इसको थोड़ा कवर कर दिया है पिन्नी से और गेट लगा दिए हैं। वीआईपी एंट्री इसमें है 500 रुपये। तो दोस्तों ये जो पीछे सराय रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, इसका कुछ ऐसा है कि 500 रुपये में आप अंदर जा सकते हैं, आपको 100 रुपये का एक फूड टोकन मिल जाएगा जिससे कि आप कुछ भी परचेज करके खा सकते हैं। बाकी का आप और कुछ अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होता, तो ओवरऑल आपको 400 रुपीज़ एंट्री आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक ही है, काफ़ी दूर दूर से अगर लोग आते हैं तो अपनी फैमिली के साथ बैठ करके अच्छे से खा सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी 6:37 हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी उजाला है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा इसके पीछे की साइड चलकर देखते हैं कि एक बार उधर क्या बनाया हुआ है या फिर उधर कौन कौन सी स्टॉल्स लगी हुई हैं। आगे चलते हैं। ये वस्त्र मंत्रालय है, यहाँ पर आपको इंडिया के जगह जगह से उत्तर प्रदेश गुजरात तेलंगाना तमिलनाडु हर जगह जगह से स्टॉल लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप आकर आप अगर आपको कुछ उस जगह का फेमस परचेज करना है तो कर सकते हैं। एक बहुत लंबी लाइन देख सकते हैं, ये जो लाइन है अंदर एक पिक्चर शो होता है उसको देखने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि जाके इसी लाइन में लग जाऊँ, थोड़ी देर में तो नंबर आ ही जाएगा। वो प्रकाश जो हमें रोशन करता है, हम
सबको दिशा देता है, भविष्य का मार्ग दिखाता है। हमारी दुनिया में अलग अलग रंग भरता है, कभी हरियाली का तो कभी फूलों का लाल, पीला, गुलाबी, कभी आसमान नीला दिखता है, कभी लाल, और कभी रंग बताना मुश्किल हो जाता है। और अगर ना होगी रोशनी तो क्या देख पाएंगे हम? साल पहले रोशनी की पहली किरण आई इस प्रकाश के स्रोत सूर्य से। इस प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन किया और हमारी पृथ्वी को भी। उसी पृथ्वी को मानसिक और आत्मिक प्रकाश दिया है हमारे देश भारत ने। इस निरंतर सभ्यता ने सदियों से अपने प्रकाश से पूरे विश्व को दिशा दिखाई है और उसे रोशन किया है। ज्ञान के प्रकाश से विज्ञान से धर्म से दर्शन से विचार से कला से भाषा से इतिहास से और संस्कृति के प्रकाश से वही प्रकाश हम सबके अंदर में है, हर भारतीय में है, मुझमें है, तुम्हें है। इस प्रकाश को आपको भविष्य में ले जाना है। यही जन्म देगा कल को, कल के रंगों को, कल के भारत को, कल के विश्व को। प्रकाश के इस देश के प्रताप के भविष्य है पुकारता तुम्हें क्षितिज के छोर से। भास्कराचार्य देखते हैं।
इनका जन्म 1114 ईस्वी में विजयपुरा में हुआ था। एक बहुत बड़े गणितज्ञ जो खगोलविद थे, जो उज्जैन की एक वेदशाला में खगोल विज्ञान के प्रभारी भी थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अवकलन गुणांक और अवकलन गणित के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, जिसको इन्होंने चार भागों में बांटा था, अंक गणित, बीज गणित, मूलाध्याय और ग्रहों का गणित। ये जो अंक गणित है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि लीलावती। ये लीलावती नाम बेसिकली उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे रखा था, क्योंकि इसके पीछे भी कहानी है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ ज्योतिषीय कारणों की वजह से इनकी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपनी बेटी को अपनी कृति के माध्यम से अमर करना चाहते थे, इसलिए अपनी वो जो अंक गणित का भाग लिखे थे उसका नाम इन्होंने लीलावती रखा था। धन्यवाद।